हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको ये सैलड डेकोरेशन, जिसके लिए मैंने सैलड कट कर रखा है हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल, क्योंकि सैलड कट करते वक्त थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो यहां देखिए मैंने कुकुम्बर, कैरोट और टोमेटोज और यहाँ पर कैबेज, दोनों तरह साइड के कैबेज इतने मैंने कट कर लिए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसा मैं हमेशा आपको कट करके बताती हूँ। बस इनको डेकोरेट करना है कि इसे कैसे डेकोरेट करते हैं। तो चलिए इनको अब डेकोरेट करना भी हम देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे डेकोरेट किया है। कटिंग सेम ही है सारे सैलेड की, लेकिन वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, यानी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और ये डेकोरेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने इस सैलेड के डेकोरेशन को कैसे किया है इजी तरीके से। बिल्कुल यहाँ पे मैंने प्लेट लिया है इस तरह, अगर इस टाइप का प्लेट है तो डेकोरेशन ज़्यादा अच्छा लगता है। और डेकोरेशन करते वक्त एक बात का ख्याल रखना है कि कौन से सैलड को हम कहाँ पे शिफ्ट करें। तो यहाँ पे मैं जिस टाइप का डेकोरेशन कर रही हूँ तो पहले कुकुम्बर ऐड करूँगी मैं यहाँ पे। तो कुकुम्बर का कटिंग आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा कटिंग है इसका, और इसे मैं डबल लेयर दूंगी। तो एक लेयर को मैं इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ा सा स्लिप करता है बट इसे अगर दो लेयर आप लगा देंगी तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने कुकुम्बर, चाइनीज़ कुकुम्बर लिया है, क्योंकि दो तरह के कुकुम्बर आपको मार्केट में आते हैं। इस कुकुम्बर को मैं ज़्यादा यूज़ इसलिए करती हूँ कि इसमें करवाहट थोड़ी कम रहती है और सीड जो इसके होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और छोटे होते हैं, तो इस वजह से ये कुकुम्बर मुझे स्वीट स्वीट सा लगता है, मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप कोई भी कुकुम्बर जो आप खाती हूँ आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर एक लेयर मैंने लगा दिया है, सेकेंड लेयर आप देखिए मैं इस तरह लगा रही हूँ, क्योंकि आम तौर से नॉर्मल सभी के घरों में कुकुम्बर, कैरेट और हमारा जो टोमेटोज, इन सब के ही हम सैलड बनाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरह के सैलड मैं आपको बताऊँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो लोगों को। तो इसलिए मैं कभी कभी इसमें कुकुम्बर और रेड कैबेज और यहाँ पे मैं और भी सब्जियाँ ऐड कर देती हूँ, तो सभी को सारी सब्जियां नहीं मिल पाती। तो इसलिए कभी कभी लगता है कि कुछ सिंपल भी डेकोरेशन बताना चाहिए जो सबके लिए अवेलेबल हो और इजीली तरीके से सब मंगा के और डेकोरेट कर सकें। और जहां मैं कैबेज यूज करती हूं पर्पल कलर वाला, वहां पे मैंने बताया आपको कि अगर पर्पल कैबेज नहीं है तो आप उसके जगह पर बीटरूट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीटरूट ईजिली मिल जाता है सब जगह। मैं इसलिए बीटरूट यूज़ नहीं करती क्योंकि उसके कलर जो है सब्जियों में लग जाती है, तो मुझे बहुत सारा डेकोरेशन करना रहता है। तो इसलिए मैं बीटरूट कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मेन एम है कि आपको बता सकूँ कि डेकोरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कुकुम्बर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने टोमेटो लिया। टोमेटो रेड रेड कलर के कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि टोमेटो का ये सीज़न है इसलिए टोमेटो आपको मार्केट में अच्छे मिल जाएंगे। टोमेटो भी मार्केट में दो टाइप के मिलते हैं, ये टोमेटो कम जूसी होता है स्पेशली सैलड के लिए आता है, बाकी देसी टोमेटो ज़्यादा जूसी होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बीच में डाला है यहाँ पर कैबेज, रेड कैबेज, अरे सॉरी पर्पल कैबेज, तो ये देखिए डार्क डार्क हो गया। अब इसको हमें और सुंदर कैसे बनाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम कुकुम्बर ऐड करेंगे जिससे कि हमारा जो डेकोरेशन है अच्छा लगे। तो इस तरह से कुकुम्बर ऐड कर देंगे और बीच में एक छोटा सा टोमेटो का फ्लावर जैसा रख देंगे जिससे कि हमारा एक फ्लावर शेप लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया ये टोमेटो का एक छोटा सा पीस, तो पूरा सैलड का डेकोरेशन कितना सुंदर लगने लगा। ये देखिए अब ये सैलड बन के बिल्कुल तैयार है। देखा आपने कि मैंने कितने सिंपल तरीके से डेकोरेशन बताया। अनियन इसमें बिल्कुल नहीं है क्योंकि अनियन अभी बहुत महंगा है, अनियन जब थोड़ा सस्ता होगा तो उसको भी डेकोरेट कर लेंगे। तो चलिए आपको ये मेरा डेकोरेशन कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलिए नए यूनिक डेकोरेशन के साथ फिर मिलते हैं।